नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में अपन कंज्यूमर सरप्लस डिस्कस करने वाले हैं। अपन ने कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसमें एनालिसिस की जो दो टेक्निक पढ़ी थी, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में अपन ने तीन लॉ देखे थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया था और लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया। आज अपन कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अपना ऑर्डिनल अप्रोच में इनडिफरेंस कर्व है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अपन कंज्यूमर सरप्लस देखते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, अपन एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 1000 रुपए है। ठीक है, मेरे को एक शर्ट खरीदनी है। ठीक है, मेरे को मार्केट में एक शर्ट खरीदनी है और उसके लिए मैं 1000 रुपए देने को तैयार हूं। ठीक है, जैसे मैं मार्केट गया, दुकानदार से पूछा कि शर्ट कितने की है और उसने बताया कि ये शर्ट 600 रुपए की है। ठीक है, और मेरी जो जो विलिंग कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1000। मैं 1000 रुपए तक पे कर सकता था शर्ट के लिए। ठीक है, मैं रेडी होके गया था कि मैं 1000 रुपए तक जो कोई भी शर्ट आएगी मेरे को अच्छी लगेगी उसके 1000 रुपए तक मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मार्केट में जाने के बाद पता चला, दुकानदार ने बताया कि ये शर्ट आपकी 600 रुपए की है। ठीक है, तो जो मेरे पास जो सरप्लस बचा, जो पैसे बचे, मैं तो सोच के आया था कि 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है, लेकिन वहां मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है, 600 रुपए ही है। तो मेरे पास जो 400 रुपए बच गए, ठीक है, 400 कैसे, 1000 माइनस 600। ठीक है, 1000 रुपए मेरे पास थे जो, और जो 600 वो जो एक्चुअल प्राइस थी शर्ट की वो 600 थी, तो मेरे पास 400 रुपए बच गए, वो क्या बच गए, सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस वो चीज है, एक तो अपन किसी चीज के लिए विलिंग मतलब इच्छा रखते हैं कि मैं इस कॉमोडिटी के लिए इतने रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, और एक होता है एक्चुअली पे, एक्चुअली पे या फिर जो मार्केट की प्राइस होती है वो, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो ही कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 1000 रुपए थे, मैं सोच के गया था मार्केट में कि 1000 रुपए तक भी शर्ट आई मेरी तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस थी दुकानदार ने बताई वो 600 रुपए थी, तो मेरे पास जो 400 रुपए बच गए वो क्या हो गए, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, एक तो जो विलिंग टू पे और एक जो एक्चुअली पे है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो ही कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअली पे, एक्चुअली पेज। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। किसी कॉमोडिटी के लिए अपन कितने रुपए पे कर सकते हैं, अपने जो विलिंग कैपेसिटी है वो कितनी है और मार्केट में उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, और जो ये कंज्यूमर सरप्लस है ये किसने दिया था, अल्फर्ड मार्शल ने दिया था, अल्फर्ड मार्शल ने दिया था और उनकी जो एक बुक थी फेमस बुक, उसमें कंज्यूमर सरप्लस का जिक्र किया था। वो बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक थी उसमें उन्होंने बताया किसके बारे में, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने लिखी थी और उसमें कंज्यूमर सरप्लस का जिक्र किया था। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस की जो डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअली पे फॉर ए कॉमोडिटी, किसके लिए कर रहे अपन, किसी कॉमोडिटी के लिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट है जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या है, जैसे इसके अजम्पशंस है वो क्या होंगे, अजम्पशंस जो मार्शल ने क्या जो थोड़ा जो कंडीशन जो या फिर जो कुछ अज्यूम किया था वो देखते हैं अपन, ठीक है, अजम्पशंस बोलते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट तो है जो कंज्यूमर सरप्लस है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया LDMU, ठीक है। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है, जैसे जैसे अपन कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो यूटिलिटी आएगी किसी भी कमोडिटी को डिराइव करने से या कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कैसा होगा, मीजरेबल होगा। मीजरेबल मतलब अपन उसको मीजर मतलब मीजर कर सकते हैं, उसको मीजर कर सकते हैं। और जो किस में मीजर करेंगे अपन, उसकी जो मीजर्ड यूनिट है वो होगी मॉनिटरी यूनिट, मॉनिटरी यूनिट। मॉनिटरी यूनिट मीन्स मनी के टर्म्स में जो अपने पास जो यूटिलिटी आएगी किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद वो मनी के टर्म्स में आएगी, ठीक है। मनी के टर्म्स में क्यों, अपन कॉमोडिटी के लिए क्या पे करेंगे, प्राइस पे करेंगे, ठीक है। तो प्राइस को अपन किस में एक्सप्रेस करते हैं, मनी में, ठीक है। इसके लिए इसलिए इसको मॉनिटरी यूनिट कहा गया है, इसकी जो मेजरेबल यूनिट है उसको मॉनिटरी यूनिट कहा गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस को अपन किस में मेजर करेंगे, मॉनिटरी यूनिट में, मनी के टर्म्स में, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, ठीक है, नंबर्स में। नेक्स्ट चलते हैं अजम्पशंस, जो कॉमोडिटी होगी वो सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, नो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जो अपनी कॉमोडिटी होगी उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते अपन टेबल बनाएंगे और टेबल के बाद ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से अपन जो कंज्यूमर सरप्लस है वो अच्छे से समझ आएगा। अपन जैसे कोई भी यूनिट ले लेते हैं, यहाँ जैसे मैंगो ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट क्या है, मैंगो। जैसे जो यहाँ होगी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, किस में होगी, मॉनिटरी टर्म्स में, मतलब रुपीज में, RS, ठीक है। जैसे अपन मैंगो की जो फर्स्ट कॉमोडिटी कंज्यूम करेंगे उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो जैसे 20 मिलती है, ठीक है। सेकेंड अगर कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे कम मिलेगी, ठीक है। थर्ड करेंगे तो और भी कम। अब ये कम क्यों मिल रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे अपन कॉमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। और जो अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है, विलिंग टू पे है, विलिंग टू पे कैसे है, विलिंग टू पे, विलिंग टू पे इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने जो मैंगो की जो फर्स्ट यूनिट थी उसके लिए मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सेकेंड यूनिट है उसके लिए मैं 15 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, थर्ड के लिए 10 रुपये और फोर्थ के लिए 5 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेरे को अभी तक मार्केट प्राइस मैंगो की क्या है वो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मैंगो की जो फर्स्ट यूनिट होगी उसके लिए मैं 20 रुपये दे सकता हूँ, सेकेंड के लिए 15 रुपये दे सकता हूँ, थर्ड के लिए 10 रुपये दे सकता हूँ और फोर्थ के लिए 5 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में जाने के बाद मेरे को पता चला कि जो मैंगो की जो प्राइस है वो कितनी है, जैसे 5 रुपये, ठीक है। मार्केट में जाने के बाद पता चला कि मैंगो की जो प्राइस है वो 5 रुपये है, ठीक है। इसको अपन बोल देना एक्चुअली पे, एक्चुअली, ठीक है। मार्केट में अपन जो एक्चुअल में पे करेंगे वो कितने, 5 रुपये पे करेंगे, किसके लिए, मैंगो की एक यूनिट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस,
कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। तो 20 माइनस 5 इक्वल 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, ठीक है। तो अपना कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, 15, 10, 5 एंड 0, ठीक है। तो अपना सरप्लस जो तीन यूनिट तक ही रहा, फोर्थ यूनिट में कोई सरप्लस नहीं है, जीरो सरप्लस है। नेक्स्ट चलते अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से पहले एक बार और देख लेते हैं टेबल को। कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे, ठीक है। मैं एक मैंगो की एक यूनिट के लिए ₹20 देने के लिए तैयार था, ठीक है, लेकिन मार्केट में जाने के बाद मेरे को पता चला कि मैंगो की जो मार्केट प्राइस है वो ₹5 ही है, ठीक है। तो 20 माइनस 5 जो 15 आएगा वो कंज्यूमर सरप्लस आएगा, ठीक है। ऐसे ही 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, ठीक है। और अपन देखे जो कंज्यूमर सरप्लस अपना कितना है यहाँ, 15, 25, 30, ठीक है। जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस आया वो कितना आया, 30 आया, ठीक है। अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो अपन वहां से अपन 30 आंसर ला सकते हैं, तो वो फॉर्मूला देखते हैं एक बार। वो फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टीयू, टीयू क्या है, टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस, प्राइस कौन सी, पर यूनिट की प्राइस कितनी है, जैसे ₹5 है, ठीक है, प्राइस पर यूनिट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ पर यूनिट, और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर नंबर ऑफ कॉमोडिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपन ने टेबल से देखा था कंज्यूमर सरप्लस अपना कितना आया था, 30, ठीक है, यहाँ से तो टेबल से अपना आया था 30। अपन डायरेक्ट निकालना चाहे तो कैसे आएगा, टी यू, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है इनको अपन टोटल कर लेंगे तो वो टोटल यूटिलिटी होगी। तो टोटल करते हैं अपन को 20, 35, 45, 5, 50, ठीक है। तो टी यू कितना आ गया, 50 माइनस प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट की प्राइस कितनी है, ₹5, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स है अपने पास, 1, 2, 3, 4, चार यूनिट्स है, ठीक है। तो कितना है, 50 माइनस 20, तो अपना आंसर कितना है, 30, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है अपना, 30। ये तो फॉर्मूला था किसका, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, टी यू, जिसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस पर यूनिट, जो मार्केट प्राइस है वो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन नंबर ऑफ यूनिट से, अपन ने कितनी यूनिट कंज्यूम की है, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनका अपन टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो वो टोटल यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस एक तो अपन टेबल से यहाँ निकालिए, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे, एक निकालिए अपने डायरेक्ट टी यू, उसके लिए टी यू काम में आती है, तो टी यू अपन ने कहाँ से ली, मार्जिनल यूटिलिटी को सम कर दिया, वहां से टी यू आ गई, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, ग्राफ से एक बार और समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। ग्राफ बनाते हैं अपन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर प्राइस होगी या फिर जो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है वो होगी, इधर क्या होगी, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी यूनिट ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है, किसी भी कॉमोडिटी की यूनिट एक्स एक्सिस पे, और जो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी या प्राइस वो वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी थी अपनी, डिक्रीजिंग थी, 20, 15, 10, 5, ठीक है। तो मैं 20 यहां कहीं मान लेता हूं, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो टेबल को भूल जाओ आप, यहीं से देख लेते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी वो
कैसे आएगी? जो उसका कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी वो, ठीक है। ये ओ है और इसको अपन नाम दे देते हैं आर एस, ठीक है। जैसे मेरे को अब जो कॉमोडिटी चाहिए वो चाहिए, यहाँ कहीं मान लेते हैं ओ क्यू, मेरे को ओ क्यू कॉमोडिटी चाहिए, उसके लिए मैं कितने रुपए पे कर रहा हूं, उसके लिए मैं ये जो ओ क्यू इसको मैं दे देता हूं ई, उसके लिए मैं कितनी प्राइस पे कर रहा हूं ओ आर, ठीक है। पहले जो विलिंग टू पे है वो अपनी कितनी है, विलिंग टू पे, विलिंग टू पे जो अपन जो ओ क्यू कॉमोडिटी खरीद रहे हैं उसके लिए मैं कितनी प्राइस जो मेरे पास है या जो जो मेरे पास रुपए है वो कितने है? ओ आर रुपीज है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इस जो विलिंग टू पे है वो कितना होगा अपना, ओ क्यू ई आर, ओ क्यू ई आर, ठीक है। विलिंग टू पे इतने रुपए मैं पे कर सकता हूँ किसके लिए, ओ क्यू कॉमोडिटी के लिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में जाने के बाद पता चला कि जो ये ओ क्यू कॉमोडिटी है वो तो यहाँ पे प्राइस में मान लेता हूँ एन, वो तो ओ एन प्राइस में ही आ रही है, ठीक है, ओ एन प्राइस में ही आ रही है। लेकिन अपन ने मान के कहाँ चले थे कि मैं ओ क्यू कॉमोडिटी के लिए मैं ओ आर जो रुपए है वो पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपना विलिंग टू पे कितना आएगा, ये बड़ा जो ब्लॉक है वो आएगा पूरा ओ क्यू ई आर, विलिंग टू पे मैं यहां तक पे कर सकता था, लेकिन जो एक्चुअली पे है, एक्चुअली पे मार्केट में जाने के बाद पता चला कि जो अपनी ये ओ क्यू कॉमोडिटी है वो तो ओ एन रुपीज में ही आ रही है, ठीक है। तो मार्केट में जाने के बाद पता लगा वो चीज, तो वो क्या हुई, एक्चुअली पे, ठीक है। तो एक्चुअली पे कितना है अपना, ओ क्यू ई एन, ओ क्यू ई एन, अब देखेंगे अपन कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे। विलिंग टू पे कितना है, ओ क्यू ई आर, ओ क्यू ई आर, विलिंग टू पे मैं ओ क्यू कॉमोडिटी के लिए ओ आर तक पैसे खर्च कर सकता था, इतने रुपए थे मेरे पास। लेकिन जो एक्चुअली जो पे थे ओ क्यू कॉमोडिटी के लिए जो एक्चुअली मैं पे कर रहा हूँ वो कितने, ओ एन रुपीज ही है, ठीक है। तो जो एक्चुअली पे है वो है ओ क्यू ई एन और विलिंग टू पे है ओ क्यू ई आर, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा मेरा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे। तो विलिंग टू पे कितना होगा, ओ क्यू ई आर, ओ क्यू ई आर माइनस ओ क्यू ई एन, इस बड़े वाले ब्लॉक में से ओ क्यू ई आर में से अपन माइनस क्या कर देंगे, ओ क्यू ई एन, ओ क्यू ई एन ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, आर ई एन। और जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो क्या होगा, आर ई एन, आर ई एन क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। जो ये शेडेड एरिया है ये क्या होगा अपना, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे। अपन ने ओ क्यू कॉमोडिटी के लिए विलिंग तो क्या थी अपनी, ओ आर रुपीज में खर्च कर सकता हूँ, लेकिन बाद में पता चला मार्केट में जाने के बाद कि ओ क्यू कॉमोडिटी के लिए तो ओ एन प्राइस ही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक्चुअली पे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था अपना कंज्यूमर सरप्लस का वो क्या था, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे। तो विलिंग टू पे कितना था अपना, ओ क्यू ई आर, ओ क्यू ई आर, और जो एक्चुअली पे कर रहे थे अपन ओ क्यू ई एन, ठीक है। तो इस बड़े वाले में से ये घटा देंगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा, आर ई एन, ठीक है। तो आर ई एन क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, समझ आया होगा। और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ने से पहले जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। कंज्यूमर सरप्लस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम आ रहा है और लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम आ रहा था, ठीक है। तो आज अपनी जो कंज्यूमर जो बिहेवियर के एनालिसिस की जो दो टेक्निक थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो
कार्डिनल में अपने तीन चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो ये तीनों चीजें आज तक इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने की जो ऑर्डिनल अप्रोच थी उसमें जो इनडिफरेंस कर्व था, ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व का नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।